हेलो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बीकॉम ऑनर्स का एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस सबसे पहले हम जो है एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे और सेकंड जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कि आपको कौन सी बुक परचेज करनी चाहिए और थर्ड हम डिस्कस करेंगे एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर के बारे में तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश की इंग्लिश में अगर आप सिलेबस देखेंगे तो क्या है सिलेबस कॉम्प्रहेंशन एड पैराग्राफ एंड सेंटेंस लेवल आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉमन एयर ग्रामर एंड यूसेज वोकेबलरी वर्ड फॉर्मेशन सिनोनिम्स एंड टॉनिम्स पेयरिंग ऑफ वर्ड्स सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन प्रिपोजिशन कंप्लीस ऑफ सेंटेंस अगर आप इसके लिए चाहें तो इसके लिए एक बुक आती है अरियंत की ऑब्जेक्टिव जर्नल इंग्लिश अरियंत की एक बुक आती है ऑब्जेक्टिव जर्नरल इंग्लिश तो आप ये बुक परचेज कर सकते हैं अगर आपको इंग्लिश की अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है तो ठीक है बेस्ट है बुक आप ये चाहें तो परचेज कर सकते हैं अब हम बात करें सेकेंड अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज इकोनॉमिक्स और अगर मैं ये बात करूं एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स अगर हम इसकी बात करें तो इस पर इसके लिए सबसे पहले आपको जो है आपको इलेवन ट्वेल्थ की एन सी कर लेनी है क्या कम्प्लीट कर लेनी है इलेवन ट्वेल्थ की एन ठीक है यह आपने इलेवन ट्वेल्थ में जो डिटेल में ये सारा सिलेबस आपने इसको अच्छे से पढ़ा होगा और बेस्ट पार्ट अगर मैं बताऊँ तो एक बुक आती है जिसका नाम है पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम कॉमर्स क्या नाम है पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम कॉमर्स अरिहंत की बुक आती है ये अगर मैं इसमें बात करूँ तो मोर देन सिक्सटीन हंड्रेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें और ये जितने भी टॉपिक इसमें कवर हैं अगर मैं बात करूं चाहे वो अकाउंटेंसी हो अकाउंटिंग फॉर एन पी ओ पार्टनरशिप एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनीज अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज के टॉपिक नेचर फंक्शन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बिजनेस फाइनेंस की बात कर लूँ या मार्केट की बात कर लूँ स्टॉक एक्सचेंज सेबी मार्केटिंग मैनेजमेंट कंज्यूमर प्रोटेक्शन या इकोनॉमिक्स के कोई भी टॉपिक्स की बात कर लूँ या मैं एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक की बात कर लूँ तो ये जो बुक है जिसके बुक का क्या नाम है पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्ज़ाम कॉमर्स अरिहंत की बुक है इसमें जितना भी टॉपिक हैं आपके इन सारे कंटेंट को उसमें जो है ब्रीफली समझा रखा है तो अगर आप वो बुक परचेज कर लेंगे तो बेस्ट पार्ट रहेगा जिससे आपको जो है ईजिली एंट्रेंस की तैयारी हो जाएगी बुक का क्या नाम है एक बार और आप ध्यान से सुन लें पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्ज़ाम कॉमर्स ठीक है ये अरिहंत की आती है तो ये आप जो है परचेस कर सकते हैं इसमें आपको जो है सारे के सारे टॉपिक जो है एक तो ब्रीफली मिल जाएंगे और आपको तैयारी करने में आसानी हो जाएगी ठीक है तो अगर मैं सिलेबस की बात करूँ जैसे कि आप सिलेबस देख रहे हैं अकाउंटेंसी में अकाउंटिंग फॉर एन पार्टनरशिप अकाउंटिंग में गुडविल एडमिशन रिटायरमेंट डेथ ऑफ़ पार्टनर कंपनी अकाउंट्स की बात करूं इश्यू ऑफ शेयर डिवेंचर एनालिसिस ऑफ़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्यूटराइज अकाउंटिंग स्टेटमेंट तो ये सारा उसमें जो है ब्रीफली सही से कवर है ठीक है लेकिन आपको जो है इलेवन ट्वेल्थ की एन भी कवर करके जानी है बिजनेस स्टडीज़ की बात कर लूँ तो मैं नेचर फंक्शन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बिजनेस फाइनेंस फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंशियल प्लान मनी मार्केट तो ये सब भी उस टॉप में कवर हैं नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इकोनॉमिक्स की तो इकोनॉमिक्स के भी उसमें जो है सारे टॉपिक्स कवर हैं कंज्यूमर प्रोड्यूसर रिक्लेरियम लॉ एंड डिमांड एंड सप्लाई फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिस्ट्रमेशन नेशनल इनकम मनी बैंकिंग और डेट्रमिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट एंड बजट ठीक है नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स ठीक है तो ये सारे जितने भी टॉपिक हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीडियन मोड मेजर ऑफ डिस्पर्शन ठीक है रिलेटिव डिस्पर्शन एब्सोल्यूट डिस्पर्शन कॉ रिग्रेशन तो जितना भी है इंडेक्स नंबर प्रोबेबिलिटी ये काफ़ी हद तक जो है उस बुक में कवर है बुक आपको काफ़ी अच्छी लगेगी ठीक है और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी बुक से रिलेटेड किसी भी चीज़ में तो आप मुझे जो है कमेंट कर सकते हैं या आप मुझे इंस्टा पे मैसेज भी कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो मैं बात कर रहा हूँ रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी ठीक है रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो आप ये पास्ट ईयर के जो है क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना अलग से बुक परचेज़ करने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं होती लेकिन अगर फिर भी आपको परचेस करने हो तो आप आर एस अग्रवाल परचेज़ कर सकते हैं ठीक है आर एस अग्रवाल आप जो है परचेज कर सकते हैं अगर रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए लेना होगा और नेक्स्ट जो अगर हम बात करें वो है जर्नरल अवेयरनेस अब जनरल अवेयरनेस में इंडियन इकोनॉमी है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन है जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी है स्पोर्ट्स अवार्ड एंड कॉरपोरेट अफेयर्स तो जनरल अवेयरनेस के लिए जो है सबसे बेस्ट एक ही बुक आती है जो है अगर मैं बात करूँ सस्ती भी है जो कि तीस रुपये की आती है अरिहंत की जर्नल नॉलेज ठीक है तो आप ये परचेज़ कर सकते हैं जनरल नॉलेज 2021 ठीक है 2021 तो आप ये वाली जो है जो तीस रुपये की आती है अरेंथ की जनरल अवेयरनेस के लिए ये ले सकते हैं बाकी जनरल अवेयरनेस की सीरीज जो है मैंने चैनल पर भी कुछ वीडियो डाल रखी है बाकी मैं कंटिन्यू डालता रहूँगा तो आप वहाँ से भी कवर कर सकते हैं तो ये था हमारा जो है पूरा बीकॉम ऑनर्स का सिलेबस ठीक है ये था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पूरा का पूरा बी कॉम ऑनर्स का सिलेबस ठीक है तो आप इसके लिए स्पेशली याद रखना क्योंकि आप एन से कवर करना बहुत मुश्किल काम है इतना सारा और ये सब आप पहले भी पढ़ चुके हैं ठीक है तो अगर आपको जो है इससे रिलेटेड और कोई भी डाउट होगा कोई भी सिलेबस से रिलेटेड कि आपको कौन सी बुक लेनी है या कहाँ से कोई भी चीज़ डाउट हो और मैं लास्टली बात करूं एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर के बारे में ठीक है तो एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर जोन से भी पेपर चाहिए होंगे आप मुझे कमेंट कर देना मैं सारे पेपर जो है आपको जल्द से जल्द मेल कर दूंगा ठीक है तो ये था हमारा जो है ए का बी ऑनर्स का एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस ठीक है आप एक बार फिर बुक का नाम जानना चाहें तो फर्स्ट बुक के लिए क्या है अरिहंत किया ऑब्जेक्टिव जर्नल इंग्लिश और सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इसके लिए एक ही ओवरऑल बुक है उसका क्या नाम है पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्ज़ाम कॉमर्स क्या नाम है पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्ज़ाम कॉमर्स अरिहंत की है ठीक है इसमें मोर देन सिक्सटीन हंड्रेड आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे जिससे आपको जो है प्रिपरेशन करने में आसानी होगी आप टॉपिक रीड करेंगे और अच्छे खासे क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करने में आपको इसमें मिल जाएंगे ठीक है रीजनिंग के लिए जो है आप पास्ट ईयर ही प्रिपेयर कीजिए बेस्ट रहेगा अगर फिर भी आपको बुक परचेज करनी है तो आप आर एस अग्रवाल ले सकते हैं और जनरल अवेयरनेस के लिए जैसे कि मैंने आपको बता दिया जनरल नॉलेज आती है अरिहंत की तीस रुपये वाली तो आप वो परचेज़ कर सकते हैं ठीक है इसके अलावा आपका कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा मैं बता दूँगा ठीक है थैंक यू